और मेहरबानी करके हमारे साथ जुड़े रहे। बाकी माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, आप जाएंगे तो कोई और आएंगे, मगर आपकी कमी इस दिल में हमेशा रहेगी। सच कहते हैं हम आपको एक पल भी बुला ना पाएंगे। मुश्किलों में जो साथ दिया याद रहेगा, गिरते को हाथ दिया याद रहेगा। आपकी जगह जो भी आए, आप जैसा हो हम बस यही चाहेंगे। सच कहते हैं हम आपको एक पल भी न भूल पाएंगे। बाकी मुझे खुशी, दूसरा मन उदास है। अब पूरा तो मुझे आता नहीं, आता किसी को तो बता दो क्योंकि आज हम अपने आदरणीय मित्र की विदाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वैसे कोतवाल साहब का तो और मेरा मतलब कॉलेज के दिनों का रिश्ता है। आज भी इनके चेहरे पर मुस्कान जो आप देखते हैं उन दिनों में वैसी। खैर ये तो मान लीजिए, तो बाकी कोतवाल साहब ने अलग अलग पदों पर रहते हुए जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है। कोतवाल साहब आपकी उपस्थिति हमेशा हमें याद हम सबको उत्साहित करती रहेगी। आज आपका अंतिम कार्य दिवस है और कल से आप जीवन की दूसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं। हम सभी कामना करते हैं कि आपको भविष्य में सभी प्रकार का सुख, सफलता, धन मिले और स्वास्थ्य से भी आप हमेशा धनी बने रहें। ईश्वर करे आपकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी इतनी लंबी सर्विस देने के बाद आज के दौर में, जहां तक मुझे लग रहा है कि आज के दौर में अगर सही सलामत अपने घर चले जाएं तो सबसे बड़ी खुशी वही मानी जाती है। उतना वैसे पिछले 1.5 साल से हम भी एलविक साहब के साथ हमारे मतलब फैमिली में हमें साहब बोला जाता था कि खाना तो हर कोई देता है लेकिन नसीहत कोई कोई देता है। हमारी इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि एडवाइस कहाँ से मिले। आज के दौर में इंजीनियर जो भी चल रहा है तो वो मेरे ख्याल से काउंटर पे ही चल रहा है, काउंटर पे चल के ही उसने अपनी सर्विस पूरी करनी है। तो जैसा कि हर वक्त में AWG साहब ने, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमेशा अच्छी एडवाइस दे दी कि कहाँ पे किस रास्ते पे आपने कैसे चलना है, जहाँ से आप हमेशा सेफ निकलोगे। तो हम उसके लिए आपके सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद है कि आगे भी हमें इंशाल्लाह ऐसे ही एडवाइस मिलती रहेगी। बाकी उतना वक्त तो गुजारा नहीं, लेकिन जितना भी गुजारा तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा। हमेशा बड़ों की तरह हमें ऐसे, इन्होंने ये 4-5 लोग थे, वो चाहे कमल जी थे, पुरी साहब थे, ये थे, कभी इन्होंने डेडिकेशन से काम किया। मुझे नहीं लगता, मैं भी नीचे आपसे यही बात कर रहा था कि हमारे पास सारा PWD का एरिया है। ये डिवीजन है प्रोविंशियल डिवीजन, जो मुख्य प्रोविंस का डिवीजन है। अगर आप कभी सोचेंगे कि मुझे भद्रवाह जाना है, गेस्ट हाउस हाजिर है। अगर मंतलाई जाना है, गेस्ट हाउस हाजिर है। कुछ जाना है, गेस्ट हाउस हाजिर है। और हमारे पास ही
ये नहीं कि लोग हमसे पूछ के वहाँ करते हैं, लेकिन हमें इतना हमने काम किया, हमें अपना खुद का भी टाइम नहीं मिला कि हम उसको अवेल करें, इतनी डेडिकेशन से काम किया है। और इसके बारे में ये कहूँ कि आज यही मौका है बोलने का, इसने कम से कम 15 साल 2004 से 2019 तक, जब तक ये AW प्रमोट हुए, अकेले, ना कोई JEE था ना कोई AE था, बीच में कुछ AWs आते थे PDD से 6 महीने के लिए फिर जाते थे, खुद JEE भी काम करना, खुद मेजरमेंट भी करना, हर चीज़। और सबसे बड़ी बात हमारे पास है, हमारे पास मेंटेनेंस के काम है, DC ऑफिस का घर है, DC साहब है, कोर्ट है, अपनी डिवीजन है, मेंटेनेंस के काम करने भी सिंगल हैंडली इसने चलाया है, इसकी मुबारक इसको। यही चीज़ आपको भी सीखना है, जो फील्ड स्टाफ होता है ज़्यादातर इसी तरह काम करना है। दूसरा डेडिकेशन, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ये होता है कभी कभी हमारे प्रोफेशन मेहमान आए उनका स्वागत करना, क्योंकि ये तो फैमिली है, ये समझो मेरा घर है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप आए तो इस ओकेजन पे। मेरी एसोसिएशन विमल जी के साथ सबसे ज़्यादा है, 18 साल की एसोसिएशन हमारी है, मेरे ख्याल मुझे आंखों से जब बोल रहे थे सारे तो मुझे याद आ रहा था, हमने ज्वाइनिंग ही कैसे डाली है, अच्छे ज्वाइनिंग सर्विस की है 2004 में, तो हर 2004 से 2022 आज कटे रहे हैं, हर मौके पे JEE कटे, AE कटे, AWG कटे, और आज भी हम कटे ही हैं। तो ये छोटा सा परिवार था इलेक्ट्रिकल डिवीजन में, इतना बड़ा परिवार नहीं है। आज तो मैं देख रहा हूँ, 2-3 साल से वही मैं देख रहा था, मेरे घर में 10-12 लोग टोटल ही थे डिवीजन में, तो इसी से ये डिवीजन चल रहा था। अब माता रानी की कृपा है, थोड़ा सा डिवीजन बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है। मेरे कलीग्स और डिपार्टमेंट के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जो आज मेरी रिटायरमेंट पर ऐसा खूबसूरत आयोजन किया। परिवार, मित्र, रिश्तेदारों का धन्यवाद जो आज मेरी खुशियों में शामिल हो गए। आज का दिन मेरे जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक है। इस डिपार्टमेंट में बताए गए वर्षों की यादों और अनुभवों को चंद शब्दों में आपके साथ साझा करने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। हर किसी के जीवन की तरह मेरे जीवन में वे समय आ चुका है जब व्यक्ति अपनी सेवाओं के लिए धन्यवाद कहकर अवकाश के दिनों में प्रवेश करता है, लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखूं तो माना लगता है डिपार्टमेंट में कुछ समय पहले ही जुड़ा था। लगता ही नहीं कि इतने वर्ष कैसे बीत गए। इन अच्छे दिनों का क्रेडिट मैं अपने कलीग और अपने डिपार्टमेंट को देना चाहूँगा। सबसे अच्छी बात मेरे दिल में यही रहेगी कि इस डिपार्टमेंट के प्रत्येक कर्मचारी से मुझे सम्मान मिला है, फिर चाहे वे मेरे बॉस। Thank you.
इनकी फैमिली। बेटे आप साथ साथ चलो ना, आप भी आ जाओ, इनका भी फोटो उठा लो पहले। हाँ हाँ हाँ, इनका नहीं, इनका भी नीचे उठाना चाहता हूँ। अच्छा, ग्राउंड है ना, वो गार्डन है, नीचे लगा दो। हो गया, थैंक यू।